अलैकुम, आप लोग कैसे हैं? माशाल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप लोग के लिए हमेशा दुआएं करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हमारी अलीज़ा बनाने जा रही हैं टिक्का, वो भी तीन तरह का चिकन टिक्का। तो चलिए देखते हैं वो कैसा बनाती है। सो यहाँ पे जो है हमारा बोनलेस चिकन अच्छे से कट चुका है। ये छोटे छोटे पहले पीसेस काट लिए हैं और तीन चार पानी से धो चुका है। उससे पहले भी धोया था मम्मी ने। और ये मम्मी का जो मैं बनाऊँगी वो, और ये भी अच्छे से हम लोगों ने धो दिया है पूरा तीन चार पानी से। जो है मम्मी घर में मलाई जमा करके घी निकालती हैं, तो अभी जो है पहला ट्रिप मम्मी ने घी निकाल चुकी थी, तो ये जो है थोड़ी जमा हुई है, तो ये हमें सब में डालना है जो भी हम बनाएंगे अभी। तो अभी जो है ये मैंने तैयारी कर ली है चिकन टिक्का मलाई की। ये हमारा चिकन था, मम्मी ने ये जितने जो साइज़ के पीसेस आए थे उन्हीं को बस चपटा किया है इस तरीके से। और यहाँ पे हमने लिया है एक चम्मच वो अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर जो मम्मी ने अभी बनाया है, और एक चम्मच ज़ीरा पाउडर ये भी अभी बना है, और ये गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, दो चुटकी है अमचूर पाउडर, एक चम्मच है चाट मसाला, और स्वाद अनुसार नमक, एक पूरा नींबू जाएगा, आधा कटोरी दही, जितना आपका चिकन है उस हिसाब से आप दही लीजिएगा, और मेल्टेड बटर लेंगे हम दो चम्मच या फिर तीन चम्मच, और ये करीब एक पाव चिकन है, मम्मी से पूछा है अभी। और ये जो है वो है धनिया पत्ती और थोड़ी सी धनिया पत्ती, दो मिर्ची और उसको पीसा, और थोड़ा सा मलाई ऊपर से डालेंगे पकते समय। अभी जो है उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मम्मी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला है चिकन, और अभी मम्मी की तो थोड़ा सर्दी भी हो गई है तो उनको ये खाना। अब जो है यहाँ पे हम दूसरा वाला जो है टिक्का बना रहे हैं, वो तो मलाई मलाई चिकन टिक्का था। अब ये जो है वो मेरे स्टाइल का है, मतलब इसका मैंने अभी तो नाम नहीं दिया है, मतलब कि चिकन टिक्का ही समझ लीजिए आप, तो ये ग्रीन चिकन टिक्का समझ लीजिए आप, ये बना रही हूँ मैं। तो हमने जो है ऑलमोस्ट ये पाव भर का चिकन लिया है और इसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि चाट मसाला एक चम्मच, आधा चम्मच हमारा है ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये पेस्ट मैंने घर में बनाया है, इसमें है थोड़ी सी धनिया पत्ती, दो हरी मिर्च, ऑल्सो इसमें हमने थोड़ा सा आधा कटोरी दही डाली है और आधा कटोरी मलाई डाली है, और इसको अच्छे से मिक्स किया। इसमें हमने नमक नहीं डाला है, बिना मसाले के हमने इसको पीस लिया अच्छे तरीके से, और बटर हम इसमें डालेंगे तो चलें और अच्छे तरीके से खट्टापन आएगा उसमें, और जो है थोड़ा चटपटा रहेगा। ये हमारी प्यूरी थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं, इसमें अगर बचेगी तो हम फिर चिकन ऐड कर लेंगे इसमें। तो अच्छे तरीके फ्रेंड्स, अब जो है हमारी तीसरे चिकन टिक्का की तैयारी हो गई है। इसका नाम चिकन टिक्का ही है और ये जो है वो होता है रेड कलर का। तो इसका जो है मैंने सारा सामान निकाल लिया है, अच्छे से रख दिया है, और मम्मी से रेसिपी अच्छी तरीके से नोट कर ली है, और अब जो है चलिए चलते हैं। और बाकी हमारे दो जो है टिक्का बन चुके। तो यहाँ पे कुछ मसाले हैं, पहली बात तो हमने चिकन लिया है वही सेम ग्राम का, मतलब कि सेम जो है उसमें रहेगा चिकन। और बाकी जो है यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है बटर दो चम्मच, एक चम्मच अदरक लहसुन, और बाकी जो है ये चिकन टिक्का मसाला है, ये आता है रेडीमेड। और बाकी ये फूड कलर है चुटकी भर, वही अपना चाट मसाला एक चम्मच, बाकी ये हमारा ज़ीरा पाउडर एक आधा चम्मच था ये, और बाकी वो है हमारा ये आमचूर था, ये चाट मसाला है अमचूर आधा चम्मच, ये एक चम्मच, स्वाद अनुसार नमक क्योंकि मसाले में रहता है, और मसाला मैंने दो चम्मच लिया है, बाकी इसमें दही और मलाई जो है वो मिक्स है। सो अब जो है मैंने अच्छे से इन सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से, मतलब चिकन के अंदर सब जो है मसाले गए हुए हैं इस तरीके से। और अब जो है हम ये तीनों को आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से चिकन में चले जाए और मसाला जो है अच्छे से चिकन में घुस जाए। तो अब जो है हमने एक लिया है नॉनस्टिक पैन, जो है बाउल टाइप का गहरा है थोड़ा, और इसमें जो है हम बनाएंगे, ये हमारा चिकन जो है अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया और इसका जो है पानी भी जो है उसने छोड़ दिया है अपना। अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे तरीके से, और इसमें हमें पैन में ना ऑयल डालना, ना घी डालना, ना बटर डालना, उसके बिना हमें पकाना है, और थोड़ा सा वो रोस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊँगी कि क्या करना है। फिलहाल जो है हम इसको पैन में अच्छे तरीके से फैला लेंगे हर जगह ताकि ये जो है चिकन अच्छे से पक जाए, और इसको हम जो है लो टू
मम्मी का फेवरेट डिश जो है हमने चढ़ा दी है, और मम्मी को बस बोला है कि आप बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए जब तक ये पक जाए। तो इसको जो हम चालू कर देंगे गैस को, और इसको पहले हम धीमी करेंगे, फिर जब इसका पानी जो अच्छी तरीके से सूख जाएगा इसको ढक्कन से ढक दो, कांच वाले ढक्कन से ढक दे कांच वाले के, इसका ढक्कन कवर कर देंगे और बस 20 मिनट तक इसका, जब तक पानी इसका सूख जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। तब तक इसका पानी धीरे धीरे सूख रहा है, हम थोड़ा चला देते हैं और 5 मिनट और पकेगा ये। और चिकन को जो है हमें पूरा अच्छे से पका लेना है, बस गैस में हमें थोड़ा ग्रिल करना थोड़ा फ्लेवर के लिए, बाकी ऐसे उसमें पकाएंगे। सो अब जो है ये दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं एक दूसरे में, चिकन वगैरह में। और ये जो मैंने अभी ऐसे बना के रखा है, ये मैंने स्टिक ली है तंदूरी वाली छोटी, और दो साइज़ की आती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो अभी हम छोटे वाले में बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये ऐसे, और फिर इसको स्टिक में हम ऐसे डाल देंगे नीचे से। दूसरा लेंगे, इसके ऊपर बटर भी लगाओगी ना? हाँ, वो अंदर डाल देंगे जब माइक्रोवेव में थोड़ा पक जाएगा, फिर उसके बाद बटर लगेगा। ये चार चार पीस डाल देंगे ग्रीन वाला, ग्रीन चिली अलग रहेगा। ये इसको भी ऐसे डालेंगे। हाँ, ये मलाई चिकन टिक्का जो है रेडी हो गया है, मतलब इसका पानी छूट गया है। तो अभी जो है जो इसका मसाला बचा है वो हम जो है पैन में छोड़ देंगे, और बाकी चिकन को उठा उठा के जाली में रखेंगे, और इसको हम थोड़ा ग्रिल करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा आए। इसको हम रखेंगे, और जो है ये जाली मैंने अच्छे से धो ली थी, और इसमें थोड़ा बटर लगाया ताकि चिकन चिपक ना जाए, और फिर ऊपर। सो अब जो हमने गैस चालू कर दी है, और यहाँ पे दूसरी गैस भी हम चालू कर देंगे जिसमें मसाला हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ये इसमें थोड़ी 2 चम्मच दही है, 3 चम्मच मलाई है जिसको हमने अच्छे से फेंट दिया है। अब इसको हम पहले आधा कप डालेंगे, और फिर इसको पूरे मसाले में मिक्स कर लेंगे, पूरे मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बाकी ये तो हमारा भुन रहा है, इसको हम पलटते भी जाएंगे वरना जल। अब जो है यहाँ पे जो हमारे चिकन अच्छे तरीके से ग्रिल हो गए हैं, और फिर जो मैंने मलाई और दही का पेस्ट बनाया था वो मैंने पूरा डाल दिया था, और उसके बाद मम्मी ने उसमें चिकन डाल के अच्छे से मिक्स किया। फिर एटलीस्ट हमने 10 मिनट्स के लिए और कुक किया था उसको, धीमी आंच में कर चुका था 10 मिनट के लिए। अब इसको हम जो है सेकेंगे, और अंदर जलाई होगी, तो ये हम कुछ डाल देंगे। जो है हमारा चिकन टिक्का मलाई रेडी हो गया है। अब इसमें हम जो है 1 चम्मच बटर डाल देंगे पूरा, और थोड़ा सा इसको बीच में डालेंगे बटर ताकि मेल्ट हो जाए और हर जगह फैल जाए टिक्का का, और अच्छे से वो भी हो गया है, पक गया हमारा चिकन, बिल्कुल कच्चा नहीं है, पका हुआ है, और ये सालन भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब जो है इसका मम्मी आपको जायका बताएंगी दोनों चीज़ के साथ, वो टिक्का के साथ। आज सब चीज़ का मैं ही जायका बताऊंगी, या मेरी भतीजी आ रही है वो बताएगी। और ये हमने रखा है 20 मिनट के लिए 200 डिग्री में पूरा दोनों ऊपर नीचे। देखिए मम्मी ने जो है तंदूरी रोटी भी बना दी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। चलिए अलीजा का बनाया हुआ चिकन टिक्का टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा लजीज है, स्वाद में एकदम बहुत बढ़िया है। आइए अब ये वाला चिकन टेस्ट करके देखते हैं, मलाई चिकन मलाई। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए अपने अपने घर पे। Thank you. Please subscribe and like the channel.